काकी मां, मैं जानता हूँ इस वक्त आपका जानवी पे भरोसा करना मुश्किल है। आप जानती हैं जानवी को, उसने हमेशा इस परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश की, वो ऐसा क्यों करेगी? मैं बस इतना जानता हूँ कि जानवी ने ये नहीं किया काकी मां, पर जिसने भी किया है मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं उसे सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि जानवी नेहा के सामने ना आए। मैं नहीं चाहती कि जब नेहा आए तो तुम उसकी नजरों के सामने रहो। जानवी, I'm sorry, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मुझे अभी जाना पड़ रहा है मुंबई के बाहर, हमारी जो फैक्ट्री है वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके, चलता हूं। हे भगवान, आज एक तरफ मेरे परिवार का आप पर विश्वास है और दूसरी तरफ निशा के पाप। आज उसके पाप को मेरे परिवार के विश्वास पर हावी मत होने देना। निशा की असलियत सामने लाने के लिए मैंने और आदि ने जो प्लान बनाया है, प्लीज़ उसमें हमारी हेल्प कीजिएगा। ओ जानवी, तुम्हारा दी एंड बहुत पास आ गया तुम्हारे। अब तुम्हारे पास सिर्फ भगवान और आदि रह गए। पूरी फैमिली तो तुमसे नाराज हो चुकी है, बस अब बहुत जल्द तुम अपने हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। निशा ने हमारी बात सुन ली है कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, प्लान स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? थकान हो रही है थोड़ी सी, मैं आराम करूंगी, बेटर फील होगा। कल बहुत भाग दौड़ हो गई ना, उनको उतराई और फिर हॉस्पिटल और बस, पर आराम करूंगी, आई विल बी फाइन। बीमारी हम पर तभी हावी होती है जब हम उसके सामने हार मान लेते, और ये जंग तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हें इस कैंसर की जंग से हार नहीं मानने दूंगी। क्या कर रही हो जानवी? कोशिश, इस परिवार को संभालने की कोशिश। इस फैमिली ने ऑलरेडी बहुत कुछ खोया है, तो कोशिश कर रही हूँ कि और कुछ ना खोए, मतलब तुम्हें ना खोए। जानवी क्या कह रही हो तुम? देखो निशा, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद में चांस नहीं ले सकती। इस फैमिली ने अपनी आने वाली खुशियां खोई, और जैसे जैसे समय बीतेगा हम सबसे कुछ नहीं छिपा पाएंगे, मतलब तुम्हारी बीमारी के बारे में हम नहीं छिपा पाएंगे। आज नहीं तो कल तुम्हारी बीमारी अपने रंग तो दिखाएगी ना, सबको पता चलेगा। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम इलाज करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि वो और फैल ना सके। इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है सिटी हॉस्पिटल। जानवी क्यों, क्यों तुमने अपॉइंटमेंट ली? मैंने मना किया था ना तुम्हें। निशा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो, सब घर में बहुत अपसेट हैं, बहुत नाराज हैं, और सबने तुम्हें ब्लेम किया, बट प्लीज तुम सबकी बात सीरियसली मत लो। तुम प्लीज मेरी चिंता मत करो, मेरी बात तुम पे नहीं आएगी, तो तुम यहाँ रहो सबके साथ, उनको तुम्हारी जरूरत है। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ, पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है। निशा, मैं जानती हूँ कि तुम इस फैमिली से बहुत प्यार करती हो और तुम यहाँ से जाना नहीं चाहोगी, है ना? क्या करें, लोग ही इतने अच्छे हैं। अब मेरे बारे में ही देख लो,
एक बाहर वाली हूँ, फिर भी मुझे यहाँ रखा, अपना प्यार दिया, इसलिए इस फैमिली के एहसान चुकाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जानवी देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, पर कुछ नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में ऐसे बेड पर पड़े हुए नहीं देख सकती निशा, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। नहीं जानवी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, मैं यहीं अपने घर में रहना चाहती हूँ, अपने लोगों के बीच, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उनके साथ अपने आखिरी कुछ पल बिताना चाहती हूँ, ताकि मैं खुशी खुशी जाऊँ। मैं परेशान होकर नहीं जाना चाहती, ना तुम्हें परेशानी देना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, तुम इतना कुछ अकेले सह रही हो, मुझसे देखा नहीं जाता, और तुम मेरी परेशानी की बात कर रहे हो, परेशानी तो तुम्हें हो रही है निशा, मतलब इस बीमारी की वजह से। एंड यू नो, कहते हैं ना कि परेशानी बांटने से कम होती है, तो क्यों ना हम तुम्हारी परेशानी के बारे में घर में सबको बताएं। यू नो, अगर सबको पता चलेगा तो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की परेशानी का बोझ कम होगा। जानवी तुम क्या कह रहे हो? नहीं, यही ठीक रहेगा निशा, घर में जब सबको पता चलेगा ना, तो वो तुम्हें इतना प्यार देंगे, तुम्हारा इतना ख्याल रखेंगे, स्पेशली आदित्य, वो हर वक्त तुम्हारे पास रहेंगे, और तुम भी सबको बता पाओगी कि तुम्हें सबकी कितनी परवाह। और फिर देख, धीरे धीरे कैसे तुम्हारा वक्त इस घर में खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम आराम करो, मैं घर वालों को जाके बताती हूँ। ओके चांदी। हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास, मैं नहीं चाहती घर में सबको पता चले और वो और अपसेट हो। अब ना तुम अपनी चालें छुपा पाओगी और ना ही अपनी छोटी बीमारी का टोंग। इस घर में सर छुपाने लायक नहीं रहोगी तुम अब। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है निशा। डॉक्टर पंसारी के साथ अपॉइंटमेंट है। यू नो निशा, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, आई एम श्योर तुम्हारे कैंसर के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। आई होप सो। 2 बजे का था अपॉइंटमेंट। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, जानवी के साथ डॉक्टर के नहीं जा सकती। इमरजेंसी रूम, ऑफ कोर्स, हॉस्पिटल में हूं तो इमरजेंसी रूम ही काम आएगा। ओह गॉड जानवी, सांस नहीं ले जा रही मुझसे। निशा क्या हो गया तुम्हें? निशा, इनके तो हाथ ठंडे पड़ गए हैं, इनको इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ेगा। आप यही वेट कीजिए, हम पेशेंट को अंदर चेकअप के लिए ले जाएं। I like your spirit, Janvi. जिद्दी हो, जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास लेकर आई हो, but you know what? प्लान तो वही सक्सेसफुल होगा जो मैं करूंगी। फिर वही बेहोश होने का नाटक, क्या करूं मैं? Great. आगे आगे देखो क्या होता है।
महादेव, इससे पहले हम डॉक्टर के पास जा पाते वो बेहोश हो गई। बेहोश होने का नाटक करने लगी। What? हाँ, और फिर पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आ गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब क्या करेंगे? जानवी, झूठ बहुत देर छुप नहीं सकता। हमने जो प्लान किया हम वही करेंगे। तुम हिम्मत मत हारना, ओके? ओके। चल रहा है, 20 मिनट हो गए हैं। Excuse me. Yes. बाहर जो वो लेडी बेहोश हुई थी ना, वो कहाँ पर है? मैं उनके साथ हूँ। वो उस तरफ है। Thank you. डॉक्टर, ये जानवी है मेरी फ्रेंड। आई थिंक बीपी लो होने की वजह से इनको चक्कर आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि ये सब हुआ था, हॉस्पिटल में ही थी। मैं हॉस्पिटल आना नहीं चाहती थी, जानवी मुझे लेकर आई है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुड मिसेज जिंदाल, अब आप जा सकती हैं। पर हाँ, दिन में 10 से 12 ग्लास वाटर जरूर पीजिएगा, इट्स गुड फॉर हेल्थ। पहले ने शायद इतनी घबराई हुई लग रही और अब इतनी रिलैक्स्ड है। चलो जानवी, डॉक्टर पंसारी को मिल लेते हैं। नहीं निशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, सीधा घर चलते हैं। नहीं जानवी, तुमने इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट ली है मेरे लिए। कोई बात नहीं, मैं फिर से अपॉइंटमेंट लूंगी, दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे हम। यू नो, वैसे भी डॉक्टर काफी बिजी रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम डॉक्टर पंसारी से मिलके ही जाएंगे। तुमने इतनी मेहनत करके अपॉइंटमेंट ली है, और डॉक्टर शर्मा कह रही थी ना, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं भी मिलना चाहती हूँ। तुमने इतनी रिसर्च करके मेरे लिए इतने अच्छे डॉक्टर को ढूंढा है, थैंक यू जानवी। चलो पर्सनल टच गिफ्ट को। गिफ्ट रैपिंग आते नहीं, और चला जानवी जी के लिए गिफ्ट पैक कर दे। अरे यार, गिफ्ट शॉप से करवा लेता। इन्नी? वाओ सैम, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपको? हाँ, ये आपका है? हाँ। अब ये पहनते। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये गिफ्ट है किसी के लिए, ब्रेसलेट। आपको तो कुछ नहीं पता। सही कह रही हो बिन्नी, कुछ नहीं पता मुझे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि जानवी जी को ये पसंद आएगा भी कि नहीं। इधर आओ, इधर आओ। बिन्नी, आपको क्या लगता है, आपकी मम्मी को ये ब्रेसलेट पसंद आएगा? हाँ शायद। और आपको क्या पसंद है? चॉकलेट और डॉल। अच्छा बिन्नी, आपको पापा कैसे पसंद है? आई मीन, आपको लगता है कि मैं एक अच्छा पापा बन पाऊंगा क्या? बिन्नी, क्या मैं आपका पापा बन सकता हूँ? पर मेरे पास तो पहले से ही पापा है। बिन्नू, कितनी देर लगा रही है? चलो ड्रॉइंग बुक मिल गई ना, सुबह से हमारा वेट कर रही है बाहर। उम्मीद करता हूँ जानवी जी कि आप मुझे और ये
तोहफे को दोनों को अपना लेंगे। आपको मेरी जिंदगी में होना ही मेरे लिए सबसे अनमोल गिफ्ट है। I'm sorry, Mrs. Janvi. Unfortunately, Mrs. Nisha को ब्लड कैंसर है। That too in the last day. इसका ट्रीटमेंट है और हम बेशक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, पर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। बेहतर होगा अगर ये आराम से अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ बचाए हुए वक्त बिताए, क्योंकि कुछ वक्त बाद तो ये चुप हो जाने से सच नहीं बदल सकता ना डॉक्टर। मैं जानती हूँ मेरे पास बहुत कम समय रह गया। मेरा भी वही मानना है डॉक्टर, मैं भी घर पे रहना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अपना बचा हुआ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटना चाहती। जानवी चले। मिसेस निशा, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए, आप इन्हें प्लीज टाइम पे ले लीजिएगा एंड प्लीज टेक केयर। जानवी मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, बट थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू। निशा, थैंक यू क्यों बोल रही हो तुम जानवी को? आदित्य वो निशा बहुत थक गई है, उसे रेस्ट की जरूरत। हाँ आराम कर सकती है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों कह रही थी थैंक्स और कहाँ गई थी तुम अभी? अभी वो जानवी और मैं मॉल गए थे, हम शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग तो नहीं की, कॉफी पी के। और झूठ बोल रही हो, तुम शॉपिंग करने नहीं गई थी, तुम जानवी के साथ हॉस्पिटल गई। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। आदित्य प्लीज, जानवी तुम इसे नहीं जानती, झूठी औरत है, ड्रामा कर रही है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। हम अभी तो तुमने कहा कि तुम शॉपिंग करने गई थी, पर तुम तो हॉस्पिटल गई थी, ये सच है? बस की जा देते, जानवी तुम इस औरत को नहीं जानती, इसकी रग रग में झूठ। पर इसे कोई ब्लड कैंसर नहीं है, ये तो ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। बेवकूफ बना रही है तुम्हें। क्यों निशा मुझे बेवकूफ बनाएगी, बोलिए। ये आपकी गलत फहमी और मैं ये साबित करके रहूं। अच्छा करो साबित, मैं भी देखना चाहूँ। ठीक है करूंगी साहब, लेकिन सिर्फ आपके सामने नहीं पूरी फैमिली के सामने। सबको नीचे बुलाऊंगी, सबको सच बताऊंगी, क्योंकि शायद आपको समझ में ना आए पर उन्हें सब कुछ समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए, काकी साहब। जानवी काका साहब। जानवी प्लीज उनको प्लीज जल्दी नीचे आइए। जानवी मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ पता चले, प्लीज। नेहा मैं जानती हूँ कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, पर प्लीज आज बात मेरी नहीं, बात किसी की जिंदगी की है। प्लीज बैठो। क्या हुआ जानवी, क्यों बुलाया हम सब? आप सबको मैंने यहाँ कुछ साबित करने के लिए बुलाया। पहली बात, आप सब प्लीज अपने मन से बात निकाल दीजिए कि निशा पुरानी वाली निशा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। नहीं, निशा बदल गई है, आप सबसे बहुत प्यार करती है, आपकी परवाह करती है, इतनी परवाह करती है कि आपको तकलीफ ना हो इसलिए वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार थी। है ना निशा? और निशा ने आज तक आप सबसे क्या क्या छिपाया वो भी मैं आपको बताऊं, और उसकी वजह क्या है ये भी बताऊं। सबका सच जानना बहुत जरूरी है, और सच ये है कि निशा को ब्लड कैंसर है और वो उसकी आखिरी स्टेज पर है। क्या? हाँ काकी माँ, मुझे विश्वास नहीं था पर फिर मैंने निशा की रिपोर्ट्स देखी और फिर कैंसर के बेस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई। एक नहीं दो दो डॉक्टर से हमने ओपिनियन लिया और दोनों ने यही कहा, निशा का कैंसर इतना एडवांस स्टेज पर है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता,
और उसके पास वक्त बहुत कम है। आप सबको विश्वास नहीं हो रहा है ना? एक मिनट, निशा, मैंने कहा था ना कि मैं सबके सामने साबित करूंगी कि तुम अपने परिवार से कितना प्यार करती हो। कहो निशा, कहो कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो। सच है जानी, तुम नहीं चाहती कि किसी को भी तुम्हारे कैंसर की वजह से परेशानी हो, है ना? ठीक है, फिर साबित करो अपना प्यार। जानी क्या कर रही है आप, इनकी तबीयत पहले खराब है और आप। समर, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। कम ऑन निशा, पियो इसे और सबको साबित करो कि तुम कितना प्यार करती हो। जानी, क्या कर रही हो? कम ऑन निशा, पियो।